हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा गाइस। सो लेक्चर नंबर 21 फॉर एमसीक्यूज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट रहेंगे एपीएफसी पर्पस से। कुछ क्वेश्चंस उसमें छोड़ भी दूंगा, एपीएफसी या एओईओ जो भी आपके एग्जाम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें से पर्पसली ड्रॉप भी किए जाएंगे प्रीवियस ईयर में से, बिकॉज आई वॉन्ट कि हम स्ट्रिक्टली अपने आप को ऑन द पाथ रखें टू दीज एग्जामिनेशंस। ओके, वी डू नॉट वॉन्ट टू यू नो गो इन टू दैट डोमेन। ठीक है, जो अपना एग्जाम है उसके ऊपर फोकस। देखो, आप आने वाले 2 महीने के लिए ये एक बात अपने दिमाग के अंदर बांध भी लेना कि अल्टीमेटली ट्रैक के ऊपर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 महीने जो आपके एग्जाम के हैं उसमें ट्रैक के ऊपर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रैक से इधर उधर भागोगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इन 2 महीने में, क्योंकि एक एक मिनट इन 2 महीने का कीमती है। तो आपका बिल्कुल भी समय वेस्टफुल एक्टिविटीज के ऊपर नहीं लगना चाहिए, स्पेशली जो आप चीजें पढ़ रहे हो, क्योंकि माइंड का स्पेस भी खराब हो रहा है। देखो, कंप्यूटर का भी स्पेस होता है, इतना जीबी का हार्ड डिस्क है, इतने जीबी का पेन ड्राइव है, सब कुछ होता है ना। तो आपके दिमाग का भी स्पेस लिमिटेड ही होता है। उसको ऐसा मत सोचना कि मैं तो सब कुछ चिपका लूंगा, ठीक है, वो वाली चीज नहीं है। एंड मॉक टेस्ट जरूर देना, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट है, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उसको जरूर अटेम्प्ट करना। आ जाओ जी, क्वेश्चन पे आ जाओ। 2001 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, एओईओ में भी और आपके एपीएफसी में भी। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। ठीक है, बेसिकली ईयर इसके अंदर मेन डिटर्मिनेंट है कि पता है या नहीं पता है। दूसरा, लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। तो बेसिकली लाला लाजपत राय ने आर्य समाज को अपोज किया, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, केशव चंद्र सेन के अंदर ब्रह्मो समाज ने वुमेन एजुकेशन के लिए कैंपेन किया। और चौथा स्टेटमेंट है कि विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की फाउंडेशन की टू वर्क अमंग रेफ्यूजीज। ओके, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, आर्य समाज एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है और एक सोशल रिफॉर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें तो आपको पता होना चाहिए आर्य समाज का ईयर ऑफ फाउंडेशन। तो 1835 देखो गलत है यहाँ पर, ये अल्टीमेटली 1875 के अंदर इसकी फाउंडेशन हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट उड़ गया। बट ये एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको बहुत इजीली एलिमिनेशन से कर लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट से, बाकी स्टेटमेंट्स बताऊंगी तो इजीली हो जाएगा। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। दूसरा, लाला लाजपत राय ने कभी भी अपोज नहीं किया आर्य समाज की अपील को। ठीक है, सोशल रिफॉर्म के साथ साथ वो वेदास, क्योंकि देखो आर्य समाज के जो फाउंडर थे उन्होंने क्या बोला था, बैक टू वेदास। तो वो भी बैक टू वेदास का मतलब उनका ये नहीं था कि जो वेदास का टाइम था उस टाइम पीरियड के अंदर हम चले जाएं। नो, इट वॉज सेइंग कि वेदास को उसकी ओरिजिनलिटी के अंदर समझने की जरूरत है, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम लोगों ने बोला, जो करप्शन आ गया कास्ट सिस्टम के अंदर भी, कि कास्ट सिस्टम, वेदास ने कभी नहीं बोला कि कास्ट सिस्टम बाय बर्थ होगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली लाला लाजपत राय वॉज नेवर अपोज टू आर्य समाज। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। दूसरा गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बी और सी, क्योंकि मेरे से करेक्ट पूछा हुआ है। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर 3 एंड 4 होने वाला है। ठीक है, अब मेरे को अगर 3 और 4 नहीं भी आता था तो भी मैं कॉन्फिडेंटली कह दूंगा आंसर इसका 3 एंड 4 होगा। केशव चंद्र सेन ने जब ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया तो वुमेन एजुकेशन के लिए काफी उन्होंने काम किया, और विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज, बेसिकली टू हेल्प द रिफ्यूजीज एंड ऑल, ये इन्होंने फाउंडेशन की थी। आर्य समाज के कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा एज एडिशन। आर्य समाज के फाउंडर का नाम था दयानंद सरस्वती और मूलशंकर। मूलशंकर उनका बर्थ नेम था, दोनों नाम याद आपको होने चाहिए। गुजरात के अंदर ओल्ड मॉर्बी स्टेट के अंदर ब्राह्मीण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। पहला आर्य समाज यूनिट इन्होंने सेटअप किया था बॉम्बे के अंदर 1875 के अंदर, और उसके बाद हेडक्वार्टर्स इसके बनाए गए थे लाहौर में। ठीक है, तो पहला आर्य समाज बॉम्बे में और हेडक्वार्टर्स फिर कहाँ बनाए गए, लाहौर में। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। 1875 में फाउंडेशन हुई थी जो क्वेश्चन में था। जो दयानंद सरस्वती थे, इनके व्यूज, इनकी एक फेमस वर्क है सत्यरथ प्रकाश। ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि सत्यरथ प्रकाश किसकी पब्लिकेशन है, तो दयानंद सरस्वती की ये बुक है। ओके, द ट्रू एक्सपोजिशन। और बेसिकली इनका विजन था कि एक क्लासलेस और एक कास्टलेस सोसाइटी को प्रमोट करें। देखो, इन्होंने बोला कि बैक टू वेदास, तो बैक टू वेदास में ये नहीं कह रहे थे कास्ट सिस्टम में चले जाओ, ये तो कह रहे थे क्लासलेस और एक कास्टलेस सोसाइटी, एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए। ठीक है, जहां पर रिलीजियसली, सोशली, नेशनली सब जो है
एक साथ जुड़ जाए, यूनाइट हो जाए, ओके, इंडिया को फॉरेन रूल से फ्री किया जाए और एक आर्यन रिलीजन जो हो वो हो कॉमन हो, ठीक है। अब आर्यन रिलीजन को आप हिंदुइज्म से यहां पर कंपेयर मत कीजिएगा। उसके बाद इंस्पिरेशन लिया वेदा से, वेदास को काफी स्ट्रांग इन्होंने बताया एज इंडियाज रॉक ऑफ एजेस एंड इनफॉलिबल बोला वेदास को, ट्रू ओरिजिनल सीड ऑफ हिंदुइज्म एंड गिविंग द स्लोगन बैक टू वेदास। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बैक टू वेदास में इनका वो मीनिंग बिल्कुल भी नहीं था कि आप जो वैदिक कल्चर चल रहा था हजारों साल से हिंदुस्तान में उसके ऊपर जाओ। आप ये कह रहे थे कि वेदास को आप उसके सही मायने में समझें। आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद सरस्वती इन 1883, इसके मेंबर्स ने काम आगे बढ़ाया और दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1886। मैं आपका खुद का जो टीचर है वो डीएवी कॉलेज से पढ़ा हुआ है। बेसिकली आई बिलोंग टू चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में सेक्टर्स होते हैं, तो चंडीगढ़ का सेक्टर 10 है शायद। और कोई अगर ये वीडियो देख रहा हो और चंडीगढ़ का जानता हो तो डीएवी कॉलेज इज वेरी फेमस कॉलेज ओवर हेयर। सो डीएवी कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की 1886 में लाहौर में। दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद जैसा जनरली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखा जाता है, ग्रुप जो है दो हिस्सों में बंटना शुरू हो गया और डिवीजन शुरू हुआ था करिकुलम को लेकर के, कि ये जो डीएवी कॉलेज है इनका करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो एक पार्टी थी जिसको बोला जाता था कॉलेज पार्टी या कल्चर पार्टी इसको बोला जाता था। इसके लीडर्स में लाला लाजपत राय, लाला लालचंद, लाला हंसराज जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स थे। और दूसरा था महात्मा पार्टी या जिसको गुरुकुल पार्टी बोला जाता था, जिसमें गुरुदत्त विद्यार्थी, लाला मुंशी राम जो बाद में स्वामी शरदानंद के नाम से फेमस हुए, ये लोग थे। तो कॉलेज पार्टी बेसिकली क्या बोलती थी, कॉलेज पार्टी बोलती थी सरकारी करिकुलम को फॉलो करो, मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन लोगों को पढ़ाओ ताकि लोगों की इकोनॉमिक और प्रोफेशनल नीड्स को आप फुलफिल कर सको। दूसरी तरफ महात्मा पार्टी थोड़ा पुरानी सोच वाले लोग थे, वो कहते कि नहीं यार संस्कृत और वैदिक फिलोसफी को पढ़ाओ, ठीक है, जैसे एंशियंट गुरुकुल होते थे ना वैसे वाला कल्चर लेकर के आओ। तो इस चीज में दोनों के बीच में डिवीजन चल रही थी। अच्छा, कॉलेज पार्टी जो ये महात्मा पार्टी थी या गुरुकुल पार्टी थी, ये क्या बोलती थी, ये बोलती थी कि सिर्फ वेज खाना खाना है, नॉन वेज को डिस्करेज करो। लेकिन कॉलेज पार्टी वाले कहते थे हमारा कुछ लेना देना नहीं है भैया किसी की भी डाइट से, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, अगर किसी को नॉन वेज खाना है तो वो खाए, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात में अल्टीमेटली दोनों के अंदर डिवीजन जो है वो हो गया, कॉलेज पार्टी और गुरुकुल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भागवत गीता इनटू इंग्लिश। ये 2001 में यूपीएससी में आया था, लेकिन ये स्टेट सर्विसेज जैसे एग्जाम्स के अंदर अभी भी काफी धक्के खाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। धक्के खाने का मतलब बहुत बार रिपीट होता है। तो पहली बार भगवत गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, ऑप्शन ए इज विलियम जॉन्स, बी चार्ल्स विकिन्स, सी एलेक्सेंडर क्यूनिंगम एंड डी इज जॉन मार्शल। आंसर यहां पर क्या होगा दोस्तों, आंसर है आपका ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो थे बेटा ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर थे, ओके, जो बेसिकली विलियम जोन्स ने जिसकी फाउंडेशन की थी, और भगवत गीता को इन्होंने इंग्लिश में 1794 में ट्रांसलेट किया था। ये ओरिएंटलिस्ट ग्रुप के थे बेसिकली, ये जो लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी थे ना, इसमें दो ग्रुप्स में लोग बटे हुए थे, एक हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट, एक हम बोलते हैं एंजलिस्ट, एंजलिसिस्ट। तो बेसिकली ओरिएंटलिस्ट क्या बोलते थे, ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि अगर आपको इंडिया में रूल करना है, ब्रिटिशर्स को अगर इंडिया में रूल करना है, तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज, यहाँ के लोकल कल्चर, यहाँ की लोकल चीजों को समझना बहुत जरूरी है, उसको एनकरेज करना जरूरी है। लेकिन एंजलिस्ट क्या बोलते थे कि नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सुपीरियर है और हम हिंदुस्तानियों को भी इसी चीज में ढालेंगे। तो बेसिकली चार्ल्स विल्किंस जो थे वो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 अ पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये टाइप के क्वेश्चन ना पहले तो काफी आते थे 2000 के पीरियड में, फिर ये बीच में आने बंद हो गए। लेकिन आप मानिएगा, मैं इसीलिए इतने पुराने क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के उठाए हैं क्योंकि अब इन क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो दोबारा से आ रहा है, ठीक है। दोबारा से इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रेंड में आ रहे हैं, अगर आप एग्जाम्स को स्टडी करते हो ना, वेरियस एग्जाम्स को, तो ये टाइप के क्वेश्चंस दोबारा से ट्रेंड के अंदर आ रहे हैं और इसी वजह से इन क्वेश्चंस को मैंने पिकअप किया है। तो 1875 में हाउस ऑफ पिटीशन में किसने एक लेटर लिखा था कि भैया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इंडियंस की
ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। ऑप्शन ए द डेक्कन एसोसिएशन, बी द इंडियन एसोसिएशन, सी मद्रास महाजन सभा एंड डी इज पूना सार्वजनिक सभा। क्या आंसर होगा यहाँ पर? ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पूना सार्वजनिक सभा, सभा जिसकी फाउंडेशन की थी एम जी रानाडे ने 1870 के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विटले कमीशन। ये मैंने आपको वैसे तो कराया हुआ है, अगर आपने मेरे लेक्चर सारे यूट्यूब के ऊपर रेगुलरली देख रहे हो। किस लिए ये विटले कमीशन बना था? ऑप्शन ए टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो गया। दूसरा कह रहा है कंडीशंस ऑफ लेबर, तीसरा कह रहा है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, चौथा कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म लेबर के लिए, फाइनेंशियल रिफॉर्म या सिविल सर्विसेज। तो ऑलरेडी आप ये जानते हो, अगर आपने मेरे लेबर लॉ के लेक्चर्स देखे हैं, तो विटले कमीशन जो है वो आया था आपका कंडीशन ऑफ लेबर के लिए। 1929 में इस कमीशन को बिठाया गया था एंड अल्टीमेटली 1931 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी विटले कमीशन ने। चलिए लास्ट और फाइनल क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ओके, एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर, पहला स्टेटमेंट कहता है कि पोर्टुगीज ने गोवा को 1499 में कैप्चर किया। दूसरा कहता है कि इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। ऑप्शन सी, ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली ओडिशा में 1633 में। एंड चौथा स्टेटमेंट कहता है कि ड्यूप्लेक्स की लीडरशिप में फ्रेंच ने मद्रास को जीता 1746 के अंदर। ओके, तो आपको बताना है नॉट करेक्ट कौन सा है। ऑल राइट, तो आंसर यहां पर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि ये 1499 नहीं होगा, ये 1510 में जीता था गोवा, कैप्चर किया था पोर्टुगीज ने। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, सो देखो जी, गोवा को जीता था। अब ये भी कई बार वो सवाल पूछ सकता है कि गोवा को पोर्टुगीज के लिए किसने जीता। सो इट वॉज एल्बुक्यूर्की जिसने गोवा जीता फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। एंड ये बेसिकली बीजापुर के सुल्तान का प्रिंसिपल पोर्ट हुआ करता था गोवा। एंड ये पहला इंडियन टेरिटरी था जो यूरोपियंस के अंडर आया, अलेक्जेंडर के बाद पहली बार ऐसा कोई टेरिटरी जो यूरोपियंस के डायरेक्ट रूल लॉ के अंदर आ गया। एक मैंने यहाँ पर एडिशनल पॉइंट लिया है रिलेटेड टू मिस्टर एलबरू की, दैट इज इनके रूल में इन्होंने सती को एबॉलिश कर दिया था। कई बार वो इस टाइप के सवाल पूछ लेते हैं। ओके, कैप्टन हॉकिंस, अब इंग्लैंड से रिलेटेड समझो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बहुत टाइम बाद इनको कहीं पे फैक्ट्री फुक्ट्री इस्टेब्लिश करने का मौका मिला था, पोर्टुगीज तो फिर भी बहुत पहले आ गए थे। तो कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के पास 1609 के अंदर कि फैक्ट्री बनाने दो सूरत में माई बाप, तो जहांगीर ने मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि पोर्टुगीज का उस टाइम पर जहांगीर के कोर्ट पे काफी इन्फ्लुएंस होता था, तो मना कर दिया और हॉकिंस को भगा दिया, चल भग। ठीक है, और नवंबर 1611 में हॉकिंस भग गए। ओके, उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग शुरू की इंग्लिश ने मसूलीपट्टनम में। एंड बाद में 1616 में जहांगीर ने जब दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेने के लिए उनके पास आए, तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने कहा चलो बना लो एक छोटी सी फैक्ट्री, कोई बात नहीं। उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश ने अपना स्प्रेड शुरू किया, और ईस्ट में अगर हम बात करें तो ईस्ट में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की हरिहरपुर, महानदी डेल्टा और जो बेसिकली बालासोर वाला जो रीजन है उड़ीसा में। 1633 में इन्होंने ईस्ट इंडिया में पहली अपनी उड़ीसा में फैक्ट्री बनाई। ड्यूप्लेक्स की अगर हम बात करें तो ड्यूप्लेक्स को 1741 में डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज बनाया गया था इंडिया में। एंड इसको नवाब का भी टाइटल मिला था, मुगल एम्परर जो थे उस समय के मुगल एम्परर एंड सूबेदार ऑफ डेक्कन मुजफ्फर जंग, इन्होंने इनको टाइटल दिया नवाब का 1741 के अंदर। तो ये भी कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से ऐसे पोर्टुगीज डायरेक्टर जनरल थे या हेड थे जिनको नवाब का टाइटल मिला था, तो ड्यूप्लिक्स उसके अंदर आंसर होगा। एंड मद्रास को इन्होंने अपने अंदर कैप्चर किया आफ्टर कमिंग इनटू पावर। सो दीज वर द फाइव क्वेश्चन गाइस, क्विक फाइव क्वेश्चन, एंड आई होप एज यूजल आपको मजा आया होगा। देखो, डिटेल सिर्फ ऐसा भी नहीं रखना है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल करेंगे, जो अपने एग्जाम के लिए, देखो फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोकस के साथ चलना है, और आपसे भी मैं यही बोलूंगा कि फोकस के साथ चलिएगा, भावनाओं में मत बहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो,
ठीक है, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।